Hello everyone, very good evening to all of you. तो देखिए व्यूअर्स, आज मैं आपको इसका पूरा फुल कंप्लीट प्लान दिखाना चाहता हूँ. देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉलम का साइज, कॉलम पोजीशन, सब कुछ ए टू जेड डिटेल में बताना चाहूँगा. तो एक रिक्वेस्ट है आपको कि सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को, तो ताकि आपको इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्लान्स हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे आपको. बात करते हैं इस प्लान के बारे में. इसमें जो कंसिस्ट करता है टोटल, यहाँ से देखिएगा, मेन एंट्रेंस यहाँ से दिया गया किचन, और यहाँ से भी दे सकते हैं आप, वो पता नहीं, बट किचन से मेन एंट्रेंस दिया गया. एक हॉल, बाथरूम, यहाँ पे बाथरूम, मास्टर बेडरूम, यहाँ पे और एक बेडरूम है. सो दो बेडरूम फुल व्यू में इस तरह से दिखेगा. अगर आपके पास भी कोई प्लान्स है तो सेंड करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 8095615113, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप सेंड कर दीजिएगा प्लीज़. एंड सेंड कर दिए तो जो है आपको कुछ डाउट्स भी रहा तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पर मैं रिव्यू कर रहा हूँ जो हमें सेंड किया गया था, एंड इसके कुछ इमेजेस भी है जो घर के अंदर बने हुए, इस तरह का काफ़ी खूबसूरत इमेजेस है जो कि हमें सेंड किया गया. चलिए बात करते हैं इस प्लान के बारे में. इसमें मेन यूटिलिटी दी गई, मेन एंट्रेंस यहाँ से किचन, स्टोर, पूजा रूम, यहाँ से एंट्रेंस दी. ये थोड़ा सा ऑड लुकिंग दिख रहा है, मुझे भी लग रहा है, फीलिंग हो ही रहा है वो. ओके, यहाँ इतना जो जगह है ना, यहाँ से भी और एक दरवाज़ा दीजिएगा. डोर का साइज़ आप ले सकते हैं करीब 15 फुट तक आप डोर का साइज, सॉरी 5 फीट तक आप डोर का साइज ले सकते हैं. और ये पूजा रूम हॉल, हॉल का साइज़ बहुत ही सफिशिएंट दिया गया है यहाँ पे. 12 फीट इसका विड्थ, लंबाई में देखिएगा 33 फीट है, और इंक्लूडिंग बाथरूम एंड ए वाला बाथरूम, हैंड वॉश, डाइनिंग टेबल के लिए जगह. विंडो का साइज़ लगभग आप 5x4 फीट में ले सकते हैं. यहाँ से और एक बेडरूम दी गई, बेडरूम का साइज़ 9x10 फीट में एक बेडरूम, और इधर एक मास्टर बेडरूम है 12x10 फुट में. यहाँ पर विंडो है, इधर एक विंडो, यहाँ बाथ दिया गया 7x4x5 फीट में, और इधर एक बाथरूम 4x5x8 इंच में. इधर देखिएगा हैंड वॉश के लिए भी काफ़ी सफिशेंट जगह है, वेंटिलेटर. बात करते हैं कॉलम पोजीशन, तो देखिएगा इसके लिए आपको 6 फीट कम से कम छोड़ना चाहिए स्टेयरकेस, तभी एक कंफर्टेबल वे में आपको मिल सकता है, नहीं तो बहुत ही कंजेस्टेड हो जाएगा आपके लिए. ओके व्यूअर्स, एंड इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगभग आपको 15 लाख तक बहुत हो गया मैक्सिमम. एंड प्लॉट का साइज 22x33 फीट विथ 2 BHK पोर्शन. प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड सपोर्ट द चैनल टू रीच 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. थैंक यू, हैव ग्रेट डे. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट.